प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 3 का हिंदी व्याकरण बुक पढ़ेंगे। यह है क्लास 3 का हिंदी व्याकरण बुक, मयंक हिंदी व्याकरण 3। आइए हम इनके विषय सूची पे एक नजर डालें। पहला पाठ है हमारी भाषा, और इस तरह हमारे बुक में 21 पाठ है। अंतिम पाठ है अपटी बोध। तो आज हम पार्ट 1 हमारी भाषा आवर लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी भाषा क्या है। भाषा क्या है? विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का सहारा लिया जाता है वह साधन भाषा कहलाता है। जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वो भाषा का ही एक रूप है। भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, इसमें हम विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और एक व्यक्ति बोलने वाला होता है और दूसरा सुनने वाला होता है। जैसे कप्तान धोनी ने अश्विन को कुछ समझाया, अश्विन ने उनकी बातों को सुनकर समझा। दूसरी है लिखित भाषा, इसमें विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति लिखने वाला होता है और दूसरा पढ़ने वाला होता है। जैसे दादाजी का पत्र आया है, पिताजी उनका पत्र पढ़ रहे हैं। भारत एक विशाल देश है और यहाँ अनेक राज्य हैं और इन राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे आइए कुछ राज्यों की हम भाषाओं को जानते हैं। ऐसे राज्य तमिलनाडु की भाषा है तमिल, आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु, तेलंगाना की भाषा है तेलुगु, केरल की भाषा है मलयालम, कर्नाटक की भाषा है कन्नड़, पंजाब की भाषा है पंजाबी, महाराष्ट्र की भाषा है मराठी, असम की असमिया, पश्चिम बंगाल की बंगला, गुजरात की गुजराती। हिंदी पूरे भारतवर्ष में बोली और समझी जाती है। तो हिंदी हमारे कई राज्यों में बोली जाती है, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो हिंदी भाषा पूरे भारत में बोली और समझी जाती है। यह हमारे देश की सबसे लोकप्रिय भाषा है। आइए जिस व्याकरण के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ जानें। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह साधन है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना या लिखना सिखलाता है। इसमें हम वर्णों को शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना सीखते हैं। ये शब्दों को शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सिखलाता है। यह हमें वाक्यों को शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना सिखलाता है। आगे लिपि। भाषाओं, हम सब भाषाओं को लिखते हैं। इनके लिखने के लिए हम कुछ संकेतों या चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन संकेतों को उस भाषा की लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है और उर्दू की लिपि फारसी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।